तो कोनिचिवा गाइस, कैसे आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज सेटिंग आइकॉन ऑफ पोजैव लॉन्चर। तो ये प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है जो कि मेरी तरह कीबोर्ड माउस ले चुके हैं और उससे ही गेम खेलते हैं, बट फिर भी वो पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं बिकॉज ये सेटिंग आइकॉन बहुत बेकार होता है देखने में। तो ये वीडियो देखने के बाद आप पक्का सेटिस्फाई हो जाने वाले हो, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने सेटिंग आइकॉन को हाइड कैसे कर सकते हैं। अब मैंने कह तो दिया कि इसे कैसे हाइड करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, बट मुझे भी नहीं पता इसे कैसे हाइड करते हैं। क्या ये मोड से हो सकता है या इसके लिए एक टेक्सचर पैक चाहिए होगा? तो यही जानने के लिए मैं करने लगा तपस्या, तभी गॉड मेरे सामने प्रकट हुए एंड वो मेरे कान में कुछ बोले। तो चलिए अब जानते हैं कि गॉड ने जो बोला है वो काम करता है या नहीं। तो हम लोग पोजैव लॉन्चर में आ चुके हैं। अब आपको कस्टम कंट्रोल पे क्लिक करना है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग आइकन पे क्लिक करना होगा, इसके बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करके इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको कोई नाम नहीं देने वाला बिकॉज मुझे इसे हाइड करना है। अब आपको यहाँ पे अननोन पे क्लिक करके नीचे जाना होगा। नीचे थोड़ी देर आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आप स्पेशल मेन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इसे रहने देना, लेकिन मुझे इसे हाइड करना है इसलिए मैं इसके ओपेसिटी को कम कर दूंगा और इसको आपको जहां लगाना है वहां पे आप इसे लगा दीजिएगा। मैं यहां पे लगा देता हूं। तो इसे करने के बाद आपको सेटिंग आइकन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर देना होगा। ओके, ज्यादा ही क्लिक हो गया। तो इसे करने के बाद आपको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल को वापस सिलेक्ट कर लेना होगा, जिसके वजह से रिफ्रेश हो जाएगा एंड सेव करने के बाद आपको अपने गेम को ओपन कर लेना होगा, प्ले पर क्लिक कर देना होगा। तो हाँ, अब गेम ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे आप लोग ऊपर की ओर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि आपका सेटिंग आइकॉन हाइड हो चुका है। एंड ये चीज वर्ल्ड और सर्वर दोनों में काम करती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लाइव प्रूफ। तो हाँ, वीडियो खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ, टेक्सचर पैक की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेक टेक्सचर पैक इन एंड्रॉइड। तो अगर आपको ये वीडियो देखना होगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो, ये चैनल अच्छा है।